नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास जैन है एंड वी आर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। मेरे साथ हैं डॉक्टर अभिनव जैन, कंसल्टेंट इन द सेम डिपार्टमेंट, एंड डॉक्टर पारस सिंगल, कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। आज हम तीनों एकत्रित हुए हैं आपके सामने एक विशेष विषय पर बात करने के लिए। चूँकि गर्मियाँ बहुत है और हम लोग डेली आमतौर पर गर्मियों में किडनी स्टोन के पेशेंट्स काफ़ी देखते हैं, तो यही विषय किडनी स्टोन के बारे में हम आपसे आज बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। किडनी स्टोन्स यूजुअली किडनी में बनते हैं और ये फिर वहाँ से माइग्रेट होके यूरिनरी पाइप के अंदर आके पेशाब की थैली के अंदर आकर के रुकावट करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। जब ये रुकावट करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, तो यूजुअली इनसे ग्रसित पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। बट कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये कोई प्रॉब्लम नहीं करते और चुपचाप साइज में बड़े होते रहते हैं। मूलतः ये पेशेंट हमारे पास नहीं आ पाते हैं और जब आते हैं तब तक किडनीज बहुत ख़राब हो चुकी होती हैं और हमें अल्टीमेटली वो किडनीज निकालनी पड़ती है, ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है, क्या कर सकते हैं आप जिससे कि इनमें अगर आपको किडनी स्टोन है तो आप इनसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आगे बढ़ने से और ये सब प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर अभिनव से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर अभिनव, किडनी स्टोन्स बनने के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? जी, तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में किसी को स्टोन्स हैं, या आप ओबिसिटी है, मोटापे से ग्रस्त हैं, या शुगर्स अनकंट्रोल्ड हैं, ये सब मुख्य कारण होते हैं। इसके अलावा हमने देखा है, शायद अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो लोग पानी कम पीते हैं, स्पेशली गर्मियों का टाइम है, लोग एसी में रहते हैं, पानी का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, इन लोगों को क्या किडनी स्टोन ज़्यादा होते हैं क्या, आपका इस बारे में? तो आजकल जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, गर्मियाँ इतनी हैं, ह्यूमिडिटी है, तो हमें पसीना बहुत आता है, तो इससे ये होता है जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं वो हमारी किडनी में जम जाते हैं। तो अगर शरीर में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, तो धीरे धीरे क्रिस्टल्स बड़े होते जाते हैं। तो किडनी स्टोन्स का एक मुख्य कारण है कि शरीर में पानी की कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, स्वेटिंग हो। जो लोग ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जिसमें स्वेटिंग होती है, शरीर से पानी का बहुत ज़्यादा रिसाव होता है, नुकसान होता है, उनमें किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन है। तो अगर जैसे डॉक्टर अभिनव ने बताया, डॉक्टर पारस, कितना पानी एक आदमी को पीना चाहिए स्पेशली इन गर्मियों के अंदर, और जो ऐसा काम कर रहे हैं जिनको गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है? नॉर्मली किडनी स्टोन्स को बचाने के लिए, किडनी स्टोन बनने से बचाने के लिए हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को इतना पानी पीना चाहिए कि दिन में 2 लीटर से अधिक पेशाब बने। तो ऐसे इस गर्मी के मौसम में उस हिसाब से दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी ज़रूर लेना चाहिए। पानी या किसी भी तरह का फ्लूइड लेना अच्छा रहता है। नॉर्मली एक इंसान एक बारी में 300 ml, 350 ml यूरिन पास करता है, तो 2 लीटर का मतलब है दिन में आपको 7 से 8 बारी पेशाब आना चाहिए। तो आप नॉर्मली इस हिसाब से देख सकते हैं कि आपका पानी का इंटेक ठीक है कि नहीं। अगर आपको दिन में 7 से 8 बारी पेशाब आता है तो मतलब पानी का इंटेक ठीक है, नहीं तो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जो पेशेंट्स कम पानी पीते हैं, या कई बार पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग 3 या 4 लीटर पानी नहीं पी पाते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ आप कहना चाहेंगे कि मतलब वो और क्या कर सकते हैं? कुछ जैसे आम धारणा है कि टमाटर कम खाना है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे कि किडनी स्टोन हो, तो ये धारणा ही है कि ये फैक्ट्स हैं? किडनी स्टोन जो होते हैं नॉर्मली कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं, तो कुछ चीज़ों में जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है उनको खाने से किडनी स्टोन्स बनने की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो उन चीज़ों को खाने में कम करने से किडनी स्टोन्स बनने की संभावना हम कम कर सकते हैं। बट इंटरप्ट करूँगा, मुख्यतः कारण मतलब पानी जितना ज़्यादा पिए वो तो बेस्ट है, मतलब आपके हिसाब से पानी तो बेस्ट है ही, उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, पानी के साथ हम और जो चीज़ें कर सकते हैं वो ये है कि हम कुछ एक खाने की चीज़ें कम कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर विकास कह रहे थे टमाटर है, पालक है, नट्स में कहते हैं, चॉकलेट्स में कहते हैं ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो कम करने से, मैं बिल्कुल बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कम करने से फ़ायदा होता है। डॉक्टर अभिनव, आपकी तरफ जाएं तो पेशेंट किन कारणों से आपके पास आता है, उसको ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं कि जो वो स्टोन वो समझे कि मेरे पास मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम है? अगर किसी पेशेंट को स्टोन हो तो या तो कमर में बहुत तेज़ी से दर्द हो, या वो कमर का दर्द नीचे की तरफ जाए, आपके अंडकोश की तरफ जाए, प्राइवेट पार्ट्स की तरफ जाए, या आपको वॉमिटिंग हो, वॉमिटिंग की टेंडेंसी हो, या तेज़ी ठंड लग के बुखार आए, या पेशाब में जलन हो, कभी कभी इन पेशेंट्स में पेशाब में खून आ सकता है, तो ये लक्षण हो सकते हैं कि आपको किडनी या किडनी के रास्ते की पथरी है।
कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें लक्षण नहीं होते हैं, किसी भी तरह के लक्षण नहीं है, चेकअप हुआ है उसमें पता लगा है कि एक स्टोन है जो धीरे धीरे बढ़ गया है, तो वो किडनी ख़राब कर सकता है। बट मुख्य सिम्टम्स जो देखें, पेशाब में इन्फेक्शन, तेज़ी बुखार आना, कमर में दर्द होना, उल्टी आना, ये रहते हैं। कभी कभी पेशाब में खून भी आ सकता है स्टोन्स की वजह से। अच्छा, कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप में स्टोन ज़्यादा होते हैं आपका, मतलब बच्चों में होते हैं कि नहीं होते हैं, आदमियों में ज़्यादा होते हैं, औरतों में ज़्यादा होते हैं, या फिर एल्डरली में ज़्यादा होते हैं, तो कोई पर्टिकुलर वल्नरेबल एज ग्रुप है कि किसी में भी हो सकते हैं? जो मुख्यतर देखा गया है मिडल एज जो बोलते हैं, यानी कि 30 से 50 साल, इनमें स्टोन ज़्यादा मिलते हैं। बच्चों में स्टोन्स जो होते हैं यूजली न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी या जो खाने पीने की कमियाँ होती हैं, जो मेल नरिश बच्चे होते हैं उनमें देखा गया है कि पेशाब की थैली की पथरियाँ होती हैं, तो ये थोड़ा सा अनकॉमन है आजकल के दौर में। दूसरा होता है किसी को ब्लैडर की प्रॉब्लम है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, या कुछ पेशेंट हैं जो लंबे टाइम से यूरिनरी कैथेटर पर हैं, खुद से पेशाब नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में स्टोन होते हैं। फिर तीसरी श्रेणी आती है जो वृद्ध पुरुष हैं जिनमें प्रोस्टेट बढ़ जाता है या ब्लैडर के नीचे रुकावट है, जिनका पेशाब पूरी तरह से नहीं उतरता, तो ऐसे पेशेंट्स में पेशाब की थैली में जो है मूत्र या यूरिन जो इकट्ठा रहता है लंबे टाइम तक, तो उनमें स्टोन्स बनते हैं। तो मुख्य तौर पर देखें तो मिडल एज ज़्यादा प्रभावित है, बच्चों में कम देखा गया है, यूजली मेल नरिशमेंट के कारण होता है, और फिर देखा गया है कि वृद्ध पुरुषों में होता है जिनका यूजली प्रोस्टेट के बढ़ने से यूरिन निकलने की प्रॉब्लम। बट नो एज इज, देयर इज नो एज बार, इट कैन हैपन इन एनी, कारण अलग अलग है बट इट कैन इन्वॉल्व एनी एज। डॉक्टर अभिनव ने जैसे कुछ सिम्टम्स बताया कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट्स आते हैं कि 3 सेंटीमीटर का स्टोन हो गया और उनको मालूम ही नहीं पड़ा, तो ऐसा होता है? तो मतलब स्टोन ज़रूरी नहीं हर बारी किसी को दिक्कत करे, नॉर्मली जब ये किडनी के पेशाब के रास्ते को रोकता है उस वजह से किडनी में पेशाब का प्रेशर बढ़ता है, किडनी सूजती है और एक्यूट केसेस में दर्द करता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक पड़ा रहे तो दर्द खत्म हो जाता है बट किडनी में सूजन बनी रहती है, उसकी वजह से किडनी का काम कम होता रहता है, किडनी ख़राब होने का चांस हो जाता है। तो ऐसे केस में काफ़ी देखा गया है कि लोगों को कभी पेन हुआ था, ध्यान नहीं दिया, वो फिर छोड़ दिया गया, उसके बाद पेन ठीक हो गया लेकिन स्टोन नहीं निकला उनका, वो स्टोन पड़े पड़े बढ़ता गया, किडनी को ख़राब करता गया और किडनी को अल्टीमेटली फाइन पूरा डैमेज कर गया। तो आपका कहने का मतलब है कि दर्द ना होना किसी स्टोन पेशेंट के लिए भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब अगर किसी को पहले कभी दर्द हुआ है तो उसको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए और मेरे ख्याल में उसको इन्वेस्टिगेट कराते रहना चाहिए कि कहीं स्टोन ना निकला हो और उसको वो अल्टीमेटली किडनी का मेजर डैमेज करके वो वापस आ। बिल्कुल, कुछ पेशेंट्स को जब पेन होता है तब वो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, पता चल जाता है कि स्टोन है, छोटा है, जैसा भी है, उसके बाद एक बार दर्द ठीक हो जाता है फिर वो भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आपको फॉलो अप करना ज़रूरी है आपके डॉक्टर के साथ, एक बार अगर पता चल गया है कि कोई भी स्टोन है किडनी में तो फॉलो अप में ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि वो निकल गया है, अगर नहीं निकला है तो उसको एटलीस्ट फॉलोअप करते रहें कि वो साइज बढ़ नहीं रहा, किडनी को ख़राब नहीं कर रहा। मैंने ऐसा देखा है अपनी प्रैक्टिस में भी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि जब भी कोई पेशेंट स्टोन के लिए आता है आप उसको कुछ ट्रीटमेंट एडवाइज करते हैं, 70-80% पेशेंट्स जो होते हैं वो कोई ना कोई आयुर्वेदिक और वो ट्रीटमेंट ज़रूर लेते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है कि वो कितना मतलब सक्सेसफुल है, उन पेशेंट्स को आगे फॉलोअप लेना चाहिए कि नहीं, बिकॉज एक बात तो दर्द ख़त्म हो जाता है उसके बाद भूल जाते हैं लोग, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये ट्रीटमेंट्स आयुर्वेदिक या और दूसरे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स, मैं इनकी बुराई नहीं करूँगा लेकिन इनकी श्योरिटी पे डाउट है कि कितना ये काम करते हैं। तो अल्टीमेटली यही है कि अगर एक बारी स्टोन है, मानो दर्द ठीक भी हो गया, ऐसे मैंने कहा नॉर्मल कोर्स में भी दर्द ठीक हो जाता है कभी कभी, तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है, मेक श्योर कि वो स्टोन आपका निकल गया है, अगर नहीं निकला है तो फिर वो दिक्कत करेगा आगे चल के, बड़ी दिक्कत कर सकता। मतलब आप कोई भी थेरेपी लें चाहे होम्योपैथिक, बिकॉज हम लोग उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है तो उसके बारे में आपको नहीं बता सकते हैं, बट अगर आपको स्टोन हुआ है चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट है लेकिन फॉलो अप जरूर लें कि वो स्टोन निकल गया है कि नहीं, दैट इज व्हाट वी। अच्छा, एक कहावत है कि वंस ए स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज ए स्टोन फॉर्म, मतलब कितने चांस होते हैं कि रिकरेंट स्टोन किसी को हो अगर एक बार आप? नॉर्मली अगर किसी को एक बार स्टोन बना है तो जब पहली बार स्टोन बनता है तो हम कहते हैं उसको 50% चांस होते हैं कि आगे भी लाइफ में स्टोन बने, लेकिन ये तब है जब उसको कोई और प्रॉब्लम ना हो, मतलब स्टोन बनने के लिए कभी कभार किडनी की बनावट में फ़र्क होता है या फिर पेशाब रुकना, जैसे बताया डॉक्टर अभिनव ने पहले कि अगर पेशाब रुकता है पेशाब की थैली में तो स्टोन बन सकता है, अगर ऐसी कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट में तो उसको 50% चांस फिर भी रहता है फ्यूचर में दोबारा स्टोन बनने का, और अगर एक से अधिक बार स्टोन बन चुका है तो वो
चांसेस बढ़ते रहते हैं आगे स्टोन बनने के। तो जिसके भी एक बार स्टोन बने उसको रेगुलर फॉलोअप रखना चाहिए, जिससे कि उसको हम लोग पकड़ सके जल्दी ही कोई नया स्टोन बने तो। बिल्कुल। डॉक्टर अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे कि पेशेंट जब भी आता है उस डॉक्टर के पास, उसके दिमाग में ये रहता है कि कहीं डॉक्टर साहब मेरा को ऑपरेशन इमीडिएटली ना बता दे, तो स्टोन्स को क्या कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है, तो उसके क्या तरीके हैं, क्या दवाइयाँ अवेलेबल हैं और कितना साइज तक का स्टोन, और दूसरा सर्जरी जो होती है वो किस तरह की होती है, तो थोड़ा उसके बारे में आप कुछ बताएंगे। तो कभी भी अगर पथरी बनती है तो उसमें हम देखते हैं कि उसका इलाज दवाई से करना है या ऑपरेशन से करना है। तो अगर इसको ऐसे समझें, अगर कोई पथरी किडनी में है तो किडनी को समझें, अगर किडनी एक कमरे की तरह है तो कोई भी पथरी अगर कमरे के दरवाजे पर, या कोई भी आदमी जा रहा है वो दरवाजे पर फंस जाएगा, तो इसी तरह अगर किडनी में कोई भी पथरी है जो उसके मुँह पर फंस गई है तो वो किडनी में सूजन करती है, दर्द करती है, तो ऐसी पथरी को यूजली निकाल देना चाहिए। हाँ, दूसरी पथरियाँ, कोई छोटी पथरी है कमरे में कोने में पड़ी है, किडनी में कोने में पड़ी है, कोई 6 mm से कम पथरी है जो कि इन्फेक्शन नहीं कर रही, दर्द नहीं कर रही, तो उसको हम बोलते हैं कि छोड़ दिया जा सकता है, उसको हम फॉलोअप पे रख सकते हैं। यही बात आती है कि अगर किडनी में कोई कोने में पथरी है लेकिन बड़ी है, मान लीजिए 9 mm है, 10 mm है और बार बार यूरिन में इन्फेक्शन कर रही है, तो उसको निकाल देना चाहिए। फिर बात करते हैं किडनी की जो नली आती है नीचे मूत्राशय, उसमें अगर कोई पथरी है तो उसमें डिपेंड करता है वो पथरी कहाँ है और कितनी बड़ी है। जैसे अगर किडनी की नली मान के चलें 20 सेंटीमीटर है, तो उसमें अगर कोई पथरी है जो बिल्कुल ऊपर के हिस्से में फंसी हुई है, परस्पर अगर कोई पथरी नीचे आ गई है, तो नीचे जो पथरी आती है और 6 mm से छोटी है, उसका काफ़ी अच्छा चांस होता है कि अपने आप निकल जाएगी, 90% चांस होता है अपने आप निकल जाएगी। तो ऐसे मरीजों को हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कि रास्ता उनका, ताकि ऐसी दवाइयाँ देते हैं रास्ता रिलैक्स होता है और वो पथरी आराम से निकल पाए। लेकिन अगर कोई पथरी है जो 6 mm से ऊपर है और किडनी के नली के ऊपर वाले हिस्से में है, बीच वाले हिस्से में है, तो उसका चांस अपने आप निकलने का कम हो जाता है, 50-60% चांस रह जाता है। और वही पथरी अगर इन्फेक्शन कर रही है, आपको बार बार दर्द कर रही है, बार बार वॉमिटिंग कर रही है, तो ऐसी पथरी को हम बोलते हैं कि निकाल देना चाहिए। फिर तीसरी पथरियाँ होती हैं जो मूत्राशय में बनती हैं, जो पेशाब की थैली में बनती हैं, तो ऐसी पथरियाँ यूजली जो हैं वो प्रोस्टेट या आगे कोई रुकावट है उसकी वजह से बनती हैं, तो उनको तो निकाल देना ही बेहतर रहता है। तो आपको कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हर पथरी के लिए हमें ऑपरेशन की जरूरत है, छोटे साइज की पथरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन वो निकल सकती हैं। तो अगर मैं आपको दोबारा समझाऊं, तो ऐसी पथरियाँ जो बड़ी हैं, जो इन्फेक्शन कर रही हैं, पेशाब में ब्लड आ रहा है, आपको परेशान कर रही हैं, या किडनी में स्वेलिंग कर रही हैं, या जो किडनी की नली में ऊपर या बीच वाले भाग में फंसी हुई हैं, और कोई भी पथरी जो 10 दिन के ऊपर आपको फंसी हुई है, तो यूजली हम बोलते हैं 10 दिन का या 14 दिन का सीमा इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके बाद जो है किडनी में डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी पथरी अगर आपको 10 दिन से ऊपर हो गया, परेशान कर रही है, अपने आप नहीं निकल रही, तो उसमें हम बोलते हैं कि यूजली वेट नहीं करना चाहिए। तो आपके और आपकी बात को मैं समराइज करूँ, तो कोई भी पथरी जो रास्ते में फंसी हुई है उसको 2 हफ्ते से ज़्यादा हमें वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किडनी में डैमेज होने के चांस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत लंबा वेट करना ठीक नहीं रहता। डॉक्टर पारस, आपसे सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो आज भी आप लोग ओपन सर्जरी करते हैं स्टोन के लिए कि सर्जरी सारी एंडोस्कोपिक होती है, कुछ इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? ओपन सर्जरीज के बहुत कम इंडिकेशंस बचे हैं आज के, मान लीजिए अराउंड 90-95% हम लोग 90-95% सारी एंडोस्कोपिक सर्जरीज हो जाती हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरीज जो किडनी के पाइप में या फिर मूत्राशय में रहती हैं, मोस्टली पेशाब के रास्ते से हो जाती हैं। जो किडनी में रहती हैं वो एक छोटा सा, वो भी पेशाब के रास्ते से आजकल सर्जरी होती है, लेकिन जो बड़े स्टोन होते हैं 2 सेंटीमीटर से बड़े, उनके लिए किडनी पीठ से एक छोटा 1 सेंटीमीटर से भी छोटा छेद करके, किडनी में छेद करके सीधा जाके हैं वो पथरी का तोड़ के निकाल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 99% केसेस सारे एंडोस्कोपिक वे में दूरबीन के द्वारा हो सकते हैं। बहुत ही रेयर कंडीशंस में जहाँ पे मानो किडनी की बनावट में फ़र्क है कि हम एंडोस्कोपिकली उसमें पहुँच नहीं सकते हैं, पथरी बहुत बड़ी है, तो ऐसे केसेस में, बहुत रेयर केसेस में ही ओपन केसेस जरूरत, ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आजकल नहीं पड़ती है। तो आजकल हम लोग जितने भी ऑपरेशंस करते हैं दूरबीन, ज़्यादातर दूरबीन से ही करते हैं स्टोन के लिए, तो आप एक तरह से कह सकते हैं ऑपरेशन नहीं है, ये प्रोसीजर्स हैं जिसमें हमें शायद 80% चांस तो यही होते हैं कि हम किडनी में छेद भी ना करें और पेशाब के रास्ते से जा करके किडनी के स्टोन्स निकाल लें। इस तरह की दूरबीनें हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास लेजर्स अवेलेबल हैं जिनसे हम लोग ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगर किडनी का साइज, स्टोन का साइज काफ़ी बड़ा है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर का, मतलब उसके लिए भी हम लोग दूरबीन से एक किडनी में एक छोटा सा छेद करके वो स्टोन्स को निकाल सकते हैं, और हम 3-4 सेंटीमीटर के बड़े बड़े भी स्टोन्स इस तरह से निकाल पाते हैं। यूजुअली पेशेंट्स को 1-2 दिन मैक्सिमम हॉस्पिटल में रहना पड़ता है,
कोई मतलब दे कैन गेट बैक टू वर्क विद इन 3-4 डेज एंड सर्जरीज आर वेरी वेरी सिंपल. क्या किडनी स्टोन्स किडनी फेलियर का कारण बन सकते हैं? जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, अगर किडनी स्टोन किडनी में फंसा हो, रह जाए, मानो दर्द नहीं कर रहा हो और आपने आप उस बारे में भूल गए हैं, तो ऐसा स्टोन किडनी में रुकावट की वजह से किडनी का फंक्शन कम करता जाता है. और अगर दोनों किडनीज इन्वॉल्व हो या फिर एक किडनी में पहले से कोई दिक्कत हो और दूसरी किडनी में स्टोन फंस जाए, तो ऐसे केसेस में किडनी फेल हो सकती है और पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है. हम लोग कहें कि देयर आर सर्टेन एब्सोल्यूट इंडिकेशंस कि हमें ऑपरेट करना ही करना है. उसमें से अगर हम बात करें तो किसी की एक ही किडनी हो और उसमें स्टोन फंस जाए, किसी की एक ही किडनी उसमें कहीं भी स्टोन हो, तो बेटर है उस स्टोन को निकाल दिया जाए, क्योंकि स्टोन कभी भी आगे किडनी में फंस सकता है, किडनी में दिक्कत कर सकता है, किडनी एक्यूट फेलियर में जा सकती है जिससे पेशेंट को बहुत. तो किसी की अगर एक ही किडनी है और उसमें किसी भी एमएम किसी भी साइज का स्टोन हो किसी भी लोकेशन में हो, जैसे डॉक्टर अभिनव ने बताया कि अगर किसी की दोनों किडनीज नॉर्मल है और स्टोन के लिए हम 2 हफ्ता 3 हफ्ता तक वेट कर सकते हैं, बट किसी की अगर एक ही किडनी है किसी भी लेवल पे स्टोन है तो उसको हमें स्टोन से क्लियर ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी आपका आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है. डॉक्टर अभिनव एक और बात करें कि आपसे कि फॉलोअप कैसे करते हैं इन पेशेंट्स का, मतलब कितना लॉन्ग टाइम तक आप फॉलोअप करते हैं, क्या क्या फॉलोअप में देखते हैं इन पेशेंट्स के लिए, और कुछ इस तरह की जांचें हो सकती है कि आप बता सकते हैं कि ये स्टोन किसी को दोबारा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो फॉलोअप में रहता है, पहले हम ऑपरेशन अगर किया, ऑपरेशन करके हम छुट्टी करते हैं और यूजली किडनी में एक तार डालते हैं जिसको स्टेंट बोलते हैं, कुछ कुछ मरीजों में डालना पड़ता है. तो पहला फॉलोअप यूजली हम 3 से 4 हफ्ते बाद पेशेंट को बुलाते हैं अगर स्टेंट पड़ा हुआ है, तो वो स्टेंट निकालने के लिए. उसके बाद हम एडवाइस करते हैं कुछ ऐसे टेस्ट, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है तो अल्ट्रासाउंड हर 6 महीने पर करा के देखना है, जैसे कि अभी तक हमने बात की, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर. तो हर 6 महीने पर हमें देखना है कि कोई पथरी दोबारा तो नहीं बन गई, और अगर कोई पथरी बनी है इतनी छोटी है इस स्टेज पर है कि उसको हम ज़्यादा पानी पीने से या दवाइयों से ही निकाल दिया जा सके, रादर देन हम इस स्टेज पर पहुँचे कि हमें दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े. फिर दूसरे तरीके का फॉलोअप होता है, जो हमारी पथरी निकली उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टोन एनालिसिस. तो वो किस तरह की पथरी है, कैल्शियम की पथरी है या यूरिक एसिड की पथरी है, तो उससे हम आपको अपने खाने पीने में या कोई दवाइयाँ ऐसी ऐड कर सकते हैं जिससे फर्दर आपको स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं. हालांकि ये चांसेस कभी 0% नहीं होते, जैसे आमतौर पे हमने डिस्कस किया, नॉर्मली हम बोलते हैं कि 5 साल में आपको 50% चांस होगा कि अगर आपको स्टोन बना है तो दोबारा भी बन सकता है. तो अगर हम स्टोन एनालिसिस करें या यूरिन का टेस्ट करते हैं, 24 घंटे का आपका यूरिन का टेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या पदार्थ निकल रहे हैं, क्या कमियाँ हैं, तो उसके बेसिस पर हम आपको कुछ दवाइयाँ सजेस्ट कर सकते हैं या आपके खाने पीने में कुछ प्रिकॉशन सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो फर्दर फ्यूचर में चांस है स्टोन बनने का कम हो जाता है. तो रेगुलर फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा डॉक्टर अभिनव का कहना है कि आप लगातार फॉलोअप में रहें, 6 महीने से 1 साल के बीच में आपका अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह करा के देखा जाएगा, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा. तो अगर ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं तो उनका हम स्टोन अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, जो किडनी को डैमेज किए भी अगर हम लोग मेडिसिन से निकाल सकते हैं. एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर पारस पूछना चाहूँगा, क्या किडनी स्टोन और कैंसर के बीच में कोई कोरिलेशन है? कुछ लोग बोलते हैं कि अगर किडनी स्टोन छोड़ दिया तो कैंसर बन जाएगा. किडनी स्टोन अपने आप से कैंसर नहीं बनाता है. किडनी स्टोन किसी पेशेंट में कैंसर और किडनी स्टोन साथ में हो सकते हैं, लेकिन वो कैंसर किडनी स्टोन की वजह से नहीं है, कैंसर जो किसी और वजह से हो सकता है, किडनी स्टोन अपने आप से कैंसर नहीं बनाता है. तो ये मैं कहूँगा इट इज़ नॉट अ फैक्ट, ये धारणा ही है, लोगों की सोच है कि किडनी स्टोन से कैंसर नहीं बनता है. और ये कई बार क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास किडनी स्टोन लेकर आया, उसके दर्द की वजह से आया और हमें मालूम पड़ा कि कैंसर पड़ा हुआ है, वो एक चीज़ डिफरेंट है. बट किडनी स्टोन एज सच विल नॉट गिव राइज टू कैंसर, इवन इफ इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड. मोस्ट ऑफ द टाइम इफ इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड तो वो आपकी किडनी डैमेज कर सकता है, बट कैंसर का कारण होने के बहुत चांस नहीं होते हैं. तो समअप करना चाहेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में, अगर बात करें कि किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन है, गर्मियों में ज़्यादा होते हैं, आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप रेगुलर अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर पिए, सो दैट छोटे मोटे क्रिस्टल्स हैं वो अपने आप पानी से निकल जाएं. अगर किसी को किडनी स्टोन होता है तो उसको बार बार होने की संभावना होती है, इसलिए रेगुलर फॉलोअप में रहें. और किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट नॉट ऑलवेज सर्जरी होता है, छोटे स्टोन्स डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड साइज दे कैन ऑल्सो कम आउट विद मेडिकेशंस. तो इनको अवॉइड ना करें जस्ट बिकॉज कि आपको डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारे पास आएंगे और हम आपको ऑपरेशन ही बोलेंगे. ये एक्चुअली अगर आप इनको छोड़ देंगे तो ये आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं, किडनी ख़राब कर सकते हैं. और इनको अवॉइड, इनको
डायग्नोज करके अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो वो कराइए, क्योंकि सर्जरी जो है आजकल एंडोस्कोपिक होती हैं, लैप्रोस्कोपिक होती हैं, उनके लिए हमें आपको बहुत सारे दिन एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली पेशेंट 1 से 2 दिन ही हॉस्पिटल रहते हैं और बहुत सेफ सर्जरीज हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर, आजकल जैसा माहौल ऐसा है, कोविड का इतना खौफ है, तो हालांकि दिल्ली में तो केसेस कम हो रहे हैं, फिर भी बहुत मरीजों को डर लगता है कि हम हॉस्पिटल, हालांकि उनको सिम्टम्स भी हो रहे हैं, मैं हॉस्पिटल आऊँ ना आऊँ मेरे को कोविड तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे मरीजों के लिए मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर कोई भी आपको सिम्टम हो, दर्द होता है, उल्टी हो रही है, पेशाब में ब्लड आ रहा है, तो एक बार ज़रूर अपने टेस्ट कराएं, और आप टेली कंसल्टेशन की भी सुविधा ले सकते हैं, हम एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, हम आपके कुछ टेस्ट कराएंगे और उन टेस्ट के आधार पर ही निश्चय किया जाएगा कि पथरी कितनी बड़ी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है, अब उसके अपने आप निकलने के चांसेस कितने हैं। तो अगर हमें लगता है कि पथरी अपने आप निकल सकती है तो घर बैठे ही हम आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं कि 2-3 हफ्ते तक आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके टेस्ट के बेसिस पे लगता है कि पथरी आपको दिक्कत करेगी भविष्य में या अपने आप नहीं निकलेगी, तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप हॉस्पिटल आएँ और ट्रीटमेंट लें, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर अभिनव ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोविड अपनी जगह है, इससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन कोविड की वजह से आप और बीमारियों को अवॉइड नहीं कर सकते जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप हमारे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, एंड थिंग्स कैन बी मैनेज्ड एट होम। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप हॉस्पिटल आ सकते हैं। हॉस्पिटल्स आर नाउ टेकिंग लॉट ऑफ प्रिकॉशन सो दैट नॉर्मल जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो कोविड सेफ रहें। डॉक्टर पारस फाइनल रिमार्क्स कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग विदा लेंगे। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप पानी का ध्यान रखिए, गर्मी में पानी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ स्टोन्स के लिए ही नहीं और भी बहुत चीज़ों को प्रिवेंट करता है। डिहाइड्रेशन से बचेंगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। पानी सारी चीज़ों के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।